हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल डील सेपेंस में आप सबों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस देखिए फ्लावर के बारे में बातें करेंगे और ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावर होता है। आप देखिए इसको, ये क्रिसमस कैक्टस है और ये देखिए आपका दिसंबर से लेकर जनवरी और फरवरी तक की फ्लावरिंग करेगा। ये बेसिकली विंटर में आपको ही सिर्फ फ्लावरिंग करता है और पूरी साल इसी तरह से ये अपने लीफ इसके जो होते हैं इस तरह के लीफ इसमें रहेंगे और इससे आप इस तरह देखिए ये बड़ा है यहाँ पे, तो यहाँ से ये फ्लावरिंग करता है। इसके टिप से देखिए यहाँ पे बड़ बनता है और यहीं से ये फ्लावरिंग। इसके बहुत सारे कलर आते हैं फ्रेंड्स और इसके देखिए आपको येलो भी आता है, पिंक, रेड और एक ऑरेंज कलर का होता है। ये चार कलर मैं देखा हूँ और मेरे पास देखिए सिर्फ एक ही कलर का है, दो प्लांट है। तो आप चलिए इसको देखते हैं हम कैसे इस प्लांट को आप केयर कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस प्लांट को देखिए वेल ड्रेन सॉइल काफ़ी पसंद आता है फ्रेंड्स, इसको वेल ड्रेन सॉइल में ही ग्रो कीजिए तो बहुत ही हेल्दी रहेगा ये प्लांट। इसमें सिर्फ मॉइस्चर इसके मिट्टी में होना चाहिए, हल्का मॉइस्चर, बहुत ज़्यादा सॉगी सॉइल इस प्लांट को नुकसान पहुंचाता है, तो उस तरह के इसको सॉइल में ग्रो कीजिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसको देखिए फ्रेंड्स, लोकेशन की हम लोग बात करते हैं तो इसको लोकेशन देखिए एकदम धूप इसको नहीं चाहिए होता। आप सिर्फ मॉर्निंग में आप अर्ली मॉर्निंग का जो सनलाइट डायरेक्ट सन होता है सिर्फ वही दे सकते हैं, अदरवाइज इसको धूप एकदम पसंद नहीं है। ये सिर्फ ब्राइट लाइट में ही काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर सकता है। और ये देखिए बेसिकली हाउस फ्लावरिंग प्लांट है, आप इसको घर के अंदर भी इसे फ्लावरिंग ले सकते हैं। और इसके लीफ में देखिए किसी भी तरह का कोई कांटा नहीं होता है, तो इसको आप आराम से अपने घर में भी रख सकते हैं जिससे ये फ्लावरिंग करेगा। और इसके फ्लावर बहुत ही खूबसूरत होते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरह से इसके फ्लावर देखिए कितने खूबसूरत होते हैं। इस तरह का इसका फ्लावर होता है, बहुत ही सुंदर लगता है देखने में, काफ़ी डार्क पिंक कलर का है। इस तरह का देखिए इसके फ्लावर होते हैं, तो आप इस प्लांट को लगा सकते हैं अपने घर में, अपने शेड आपका जो भी शेड एरिया है वहाँ पे रखिए तो ये प्लांट काफ़ी हेल्दी रहेगा। और देखिए इसको पानी की बहुत कम आवश्यकता है फ्रेंड्स, इसको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। आप इसके सॉइल को पहले चेक कर लीजिए, जब इसके सॉइल कम्प्लीटली ड्राई हो जाते हैं तभी इसको वाटरिंग कीजिए। देखिए जब तक इसके एक से दो इंची के सॉइल जब ड्राई हो जाते हैं तभी आप इसको वाटरिंग कीजिए, और उसके बाद जब भी इसको वाटरिंग कीजिए आप इसको पूरी तरह से इसके सॉइल को चेक कर लीजिए। और इसको देखिए फ्रेंड्स, डायरेक्ट आप जैसे नाइट के समय विंटर में इसको डायरेक्ट आसमान के नीचे मत रखिए, ऐसा जगह रखिए जहाँ इसको ड्यू या जो शीत गिरता है वो इसको नहीं मिले, नहीं तो इसके लीफ है सब जो है ना वो मेल्ट होने गलने लगेगा और इसके फ्लावर भी आपको ख़राब होने लगते हैं। तो इसको सिर्फ इसमें कोई भी शावरिंग या इस पर ड्यू का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो इसके फ्लावर भी ख़राब होते हैं और इसके लीफ देखिए गलने लग जाएंगे। अगर इस पर डायरेक्ट ओस गिरेगा, शीत गिरेगा तो इसके लीफ गलने लग जाते हैं। तो इसको आप ऐसी जगह में रखिए जहाँ पे सिर्फ ब्राइट लाइट मिले और ऊपर से शेड हो तो काफ़ी अच्छा लगेगा। इसको देखिए मैं बहुत ही छोटे पॉट में, इसको बड़े पॉट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये मेरा देखिए आपका 8 से 10 महीना पुराना प्लांट है और देखिए 4 इंची के पॉट में लगा हुआ, देखिए इस तरह से इसके देखिए मिट्टी कितने हार्ड है। और इसको मैं वीडियो बनाने के लिए इस तरह का एक पॉट में डाल दिया हूँ जिससे एक साथ ये देखने में लगेगा, तो बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए दिसंबर स्टार्टिंग मंथ से अच्छा फ्लावरिंग कर रहा है और अभी इसमें देखिए काफ़ी कलियाँ भी हैं, आपको यहाँ पे कली दिखेगा, यहाँ पे भी देखिए है, इस तरह से देखिए यहाँ पे बड़ है, यहाँ पे भी है, तो काफ़ी सारी कलियाँ हैं और बहुत सुंदर फ्लावरिंग करता है फ्रेंड्स। ये क्रिसमस कैक्टस के नाम से फ्लावर काफ़ी फेमस है, तो इस प्लांट को ज़रूर अपने घर में लेके आइए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग करता है, देखने में काफ़ी खूबसूरत करता है। इसका फ्लावरिंग पीरियड ठीक कम है लेकिन सुंदर लगता है देखने में। और इसके फ्लावर देखिए 2 से 3 दिन तक ही रहते हैं, तो आपको उससे ज़्यादा ये फ्लावर इसमें नहीं रह सकता है और वो ड्राई हो जाता है फिर फ्लावर, लेकिन सुंदर काफ़ी लगता है फ्रेंड्स। आप इस प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में लगाइए तो काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में। और इसको देखिए फर्टिलाइज़र की बात कर ले तो इसको सिर्फ और सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए फ्रेंड्स। आप बर्मी कंपोस्ट या काउडंग को पानी में भिगो के एक रात के लिए रख दीजिए, फिर उसको डाइल्यूट करके या उसके पानी को इसमें थोड़ा थोड़ा करके दे सकते हैं आप, तो वो काफ़ी इसको पसंद आता है, अच्छा ब्लूमिंग। देखिए बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं खोजता है, सिर्फ
महीने में एक बार इसको फर्टिलाइज कर दीजिए, एक बार दिसंबर में, एक बार जनवरी में, तो काफ़ी अच्छा फ्लावरिंग करे गए। तो इसके अलावा इसको कभी भी फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं होती है और पूरी साल इस तरह से आपके पॉट में रहेगा। और इसको लगाना भी देखिए बहुत आसान है फ्रेंड्स। इसके जो ये नोड एरिया होते हैं ना, ये देखिए जहाँ से जॉइंट रहता है, इस जॉइंट से इसको हटा के यहाँ पे नोड है। आप इसको निकाल के सैंड में भी डाल सकते हैं या फिर मिट्टी में डाल दीजिए और सिर्फ स्प्रे कर दीजिए, मिट्टी को सिर्फ मॉइस्ट रखिए तो ये आराम से लग जाता है। और यहाँ से आपको थोड़ा रूट फेंकने में समय लेता है फ्रेंड्स, लेकिन ये लग जाएगा, बहुत आराम से लग जाता है। इसको बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखिए यहाँ पे भी बड है, तो इस तरह से इस प्लांट को आप ग्रो भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्रिसमस केक तक हो। तो यही केयर है फ्रेंड्स, इसमें देखिए कोई किसी भी तरह का फंगस या किसी भी तरह का इंसेक्ट का कोई असर नहीं होता है, क्योंकि एक कैक्टस वेराइटी का प्लांट है। और इसके लीप में देखिए किसी भी तरह का कांटा नहीं होता है फ्रेंड्स, तो आप इसको आराम से इंडोर में, हाउस में भी रख सकते हैं। ये हाउस फ्लावरिंग प्लांट के नाम से ही काफ़ी फेमस है क्रिसमस कैक्टस। तो ये केयर है फ्रेंड्स इस फ्लावर का, आप इस फ्लावर को लेके आइए और अपने गार्डन की शोभा को बढ़ाइए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।